आज हम बात करेंगे सतलुज जल विद्युत निगम शिमला में अप्रेंटिसशिप की पोस्ट पर होने वाली भर्तियों की। आप इसके लिए अपना अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। कुल मिला के 400 पद यहां पर भरे जाने वाले हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 8 जनवरी 2023। अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको सरकारी जॉब्स की जानकारी और स्टडी मटेरियल अपने व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर चाहिए तो इसके लिए आप हमारे इन दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ में आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बात करते हैं आज की इस जॉब अपडेट की। टोटल 400 सीट्स यहां पर रहने वाली है अप्रेंटिसशिप की। पहले बात करते हैं यहां पर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की, तो 175 सीट्स यहां पर इनके लिए रहने वाली है। यहां पर मैकेनिकल के लिए 40 सीट रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के 3 सीट्स रहने वाली है, इलेक्ट्रिकल के लिए 45, सिविल के लिए 55, आर्किटेक्चर के 2 पोस्ट रहेगी, इंस्ट्रूमेंटेशन के 2, इसके अलावा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल का 1, अप्लाइड जियोलॉजी के 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 5, एचआर के 10 और फाइनेंस एंड अकाउंट्स के 10 यहां पर सीट्स रहने वाली है। अगर बात करो यहां पर 1 से लेकर 9 तक, तो इसके लिए आपके पास फुल टाइम बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। अगर हम बात करें यहाँ पर सीरियल नंबर 10 एचआर की, तो इसके लिए आप ग्रेजुएट और 2 साल की आपकी एमबीए होनी चाहिए एचआर में। अगर बात करें हम फाइनेंस एंड अकाउंट्स की, तो इसके लिए आप ग्रेजुएट और 2 साल की। अब बात करते हैं यहाँ पर टेक्निकल, मतलब कि टेक्नीशियंस अप्रेंटिसशिप डिप्लोमा, इसके 100 पद भरे जाने वाले हैं। यहाँ पर मैकेनिकल के 24, इलेक्ट्रिकल के 40, सिविल के 30, आर्किटेक्चर का 1, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 5 पोस्ट रहने वाली है। तो इसके लिए आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा होना जरूरी है। नेक्स्ट टेक्नीशियंस अप्रेंटिसशिप ITI 125 पद रहेंगे, इलेक्ट्रिशियन के 100 पद, ऑफिस सेक्रेटरीशिप, स्टेनोग्राफी, ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस मैनेजमेंट के 5 पद, फैब्रिकेटर, फिटर, वेल्डर के 10, मैकेनिक इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल मैकेनिकल के 5, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, IT, कंप्यूटर असेंबली एंड मेंटेनेंस 5 पद ये रहने वाले हैं। टोटल 125 पोस्ट रहेगी। इसके लिए आप ITI पास आउट होने जरूरी है। आपकी एज 18 से 30 वर्ष के बीच में होना जरूरी है। और यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST, 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा OBC और 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। अगर बात करें स्टाइपेंड की, तो आपको ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए 10,000 दिया जाएगा, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए 8,000 और ITI के लिए 7,000 रुपये। आपकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन 1 साल का रहेगा। अगर बात करें रिजर्वेशन की, तो यहाँ पर रिजर्वेशन एक्ट भी लागू होगा। और अगर बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की, यहाँ पर क्वेश्चन उन्होंने एक क्राइटेरिया दे के रखा है। आपका यहाँ पर इंटरव्यू तो नहीं होगा, लेकिन क्राइटेरिया यहाँ पर आपको दे के रखा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन अभी वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, एक्टिवेट हो जाएगा कुछ ही दिनों में। और आप चाहे तो HPSSC JOET टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं, लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 100 रुपये आपको फीस देनी होगी अगर आप आते हो SC ST पर्सन डिसेबिलिटी के अलावा। और अगर आपको रिजर्व कैटेगरी में, तो आपको यहाँ पर कोई फीस नहीं देनी होगी। 19/12 से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और 1